वे मेरिया वफावां तेरे लिए चलन एहसावां तेरे लिए दिल दे मोहल्ले सदा गूंजे तेरा नाम। वी हैव विद अस पंजाबी रॉक स्टार बबल राय। वेलकम टू इन न्यूज़ बबल। सत श्री अकाल तुहाडे सारे व्यूअर्स नूं। थैंक यू, थैंक यू। सो ही इज हियर विद हिज न्यू सिंगल टाइटल ड्रीम बॉय। इफ यू कैन जस्ट हो मन्ने अकला हस्ते रिहाई ए किन्नी सोहणी रब ने बनाई ए उत्तों एह कातिल अदावानी देख देख मैं ता मरी जावानी ऐनी चूजी ना हो मैनू तू हाँ कर दे गोरे काले तेरे ते लख मर दे गेड़े मारा मारा तेरे कर दे हो। आया नी तेरा ड्रीम बोए आया गड्डी नवी ले आया तू बह जा मेरे नाल सुनिए। आया नी तेरा ड्रीम बोए आया गड्डी नवी ले आया तू बह जा मेरे नाल सुनिए। नारा 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 नारा। थैंक यू बबल। टेल मी ये ड्रीम बॉय तो कूल है, ड्रीम गर्ल कैसी है बबल की? मुझे ना करीना कैफ काफी अच्छी लगती है तो ओके जी हाँ तो वैसा ड्रीम गर्ल। हाँ अच्छा, अब मेरे को बताइए कि आपके जो भी सिंगल्स हैं ड्रीम बॉय है वन ड्रीम है यहाँ पर आप बताते हैं कि क्यों आपको वो जो लेडी है वो पसंद करे? बिकॉज यू हैव अ कार, बिकॉज आपके पास अच्छा सा घर है मे बी, एंड बिकॉज यू लुक स्मार्ट, बिकॉज यू लुक हैंडसम, ऑफ कोर्स दीज आर द रीजंस, बट क्यों, मतलब क्या यही रीजंस है कि कोई भी लड़की किसी लड़के के लिए इश्क में पड़ जाए? एक्चुअली जो वन ड्रीम का जो वीडियो था आपने देखा होगा इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा, तो उसमें हाँ थोड़ा ऐसा ही था कि वो लड़का मतलब लड़की को चेज करता है थ्रू द वीडियो एंड वो लड़की उसे अंदर से पसंद करती है मतलब, है ना, पर जब वो लास्ट में फरारी लेके आता है तो मतलब वो फिर स्माइल कर देती है। तो वैसे हमने उसकी एंडिंग ये दिखाई नहीं थी कि वो लड़की उसके साथ चली जाती है, बट ड्रीम बॉय में भी और आई थिंक मोस्ट सिंगल्स में यही होता है। हमने उसका उल्टा किया, अगर आपने देखा होगा मतलब उसमें वो गाड़ी लेके आता है लेकिन वो दो तीन बार गाड़ियाँ लेके आता है तो वो लड़की उसको मतलब पसंद नहीं करती, फिर वो बेचारा जब लास्ट में स्कूटर पे ही आ जाता है तो मतलब शी फाइंड्स इट क्यूट एंड तो फिर वो मतलब। बबल आपका म्यूजिक के लिए फैसिनेशन कैसे ग्रो हुआ? जी मैं मेरे डैड थिएटर के आर्टिस्ट थे तो मतलब उनका ये ड्रीम था कि मैं सिंगर बनूं, तो मतलब बचपन से मुझे पुश किया जाता था। जितना भी मैं गाता हूँ ये गॉड गिफ्टेड है ना, मतलब डांस एंड सिंगिंग इज इन द ब्लड। तो मैं केजी में था जब पहली बार मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था और लाभ जिंदु का बॉलीवुड में सिंगिंग नाम था, तो उन्होंने वो मेरा गाना जो था वो रेडी करवाया था और उन्होंने हारमोनियम भी प्ले किया था मेरे साथ में। तो मतलब बचपन से मैंने गाना शुरू कर दिया था, लेकिन सब ऐसा बोलते हैं कि मुझे बचपन से शौक था, पर मेरे केस में ये नहीं था, मुझे शौक नहीं था, मतलब मेरे फादर पुश करते थे कि हाँ इसको सिंगर बनाना। तो मैंने काफ़ी गाया अपने स्कूल में, मैंने दूरदर्शन पे गाया, कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है? हाँ जी, मेरे डैड के जो क्लीग्स थे जो फ्रेंड्स थे उनमें से पवन अंकल थे, वो मतलब उनसे मैं सीखता भी था जब छोटा था। तो पर फिर मैं 10th में था जब मेरे डैड हुए, तो उसके बाद से फिर मैंने सिंगिंग छोड़ दी, मेरा खुद का मन नहीं था इस प्रोफेशन में आने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट डिड यू वांट टू डू? मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, तो मैंने हाँ, तो मैंने उसको प्रस्तुत भी किया, तो मैं डीएवी कॉलेज का पास आउट हूँ चंडीगढ़ से, तो योगराज सिंह के जो यूवी के फादर युवराज सिंह के फादर हैं, तो उनके पास 2 साल अकेडमी में मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग भी क्रिकेट खेला, डीएवी कॉलेज की टीम में आ गया था। तो मेरे की इंजरी भी हो गई थी और तब अब मुझे लगता है कि तब मैं बहुत लेट भी हो गया था शायद क्रिकेट शुरू करने के लिए, तो वो मैं अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाया। पर फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया पढ़ने के लिए 2007 में, तो वहाँ पे जाके वो यूट्यूब से आई गॉट वायरल, है ना, तो मेरा ऑस्ट्रेलियन चलने वाला जो वीडियो था वो वायरल हो गया। तो फिर मुझे लगा कि यार अगर मतलब लोग पसंद कर रहे हैं मेरे लिरिक्स को और
को लगता है कि मैं गा सकता हूँ, तो फिर मुझे मतलब जो सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया तो मुझे मतलब लगा कि मुझे इसको यूटिलाइज करना चाहिए, तो फिर मैं इस प्रोफेशन में आया। तो अभी जो भी आपको स्टारडम मिला है और जितना भी फैन फॉलोइंग मिलता है, आर यू सैटिस्फाइड और व्हाट डू यू वांट? नहीं, आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड, बट आई ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव माय वर्क। मतलब हर बारी ये कोशिश होती है कि मैं जो पहले कर चुका हूँ उससे बेटर करूँ, चाहे वो वीडियोस में हो, गाने में हो, लुक्स वाइज हो। तो कोशिश यही रहती है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। बबल क्रेजी फीमेल फैन फॉलोइंग तो मिलती होगी। ऑब्वियसली अच्छा लगता है, पर बीइंग अ बॉय वेरी मच, हाँ, जब लड़कियाँ अप्रिशिएट करती हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काफ़ी सारे ऐसे फैंस हैं जिन्होंने हमारे फैन पेज बनाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो मतलब मेरे शुरुआत के दिनों में से हमारे साथ इन टच में, उनसे बात होती रहती है। तो हो जाता है जब कॉलेज वगैरह में परफॉर्म करते हैं, तो दिल्ली में हम, मैं और जस्सी, वी ऑलवेज परफॉर्म टुगेदर अंडर द नेम ऑफ टीम जस्सी बबल पिछले 3 साल से। तो जब मतलब क्लब्स में या कॉलेज में जहाँ पे भी हमें मतलब यंग ऑडियंस मिलती है, तो वहाँ पे हो जाती है क्रेजी फैन मोमेंट्स, तो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगता है। व्हाई इज देयर नो फीमेल सिंगर पंजाबी इंडस्ट्री में? ऐसा कोई प्रोमिनेंट फीमेल फेस क्यों नहीं आ पाया? नहीं, पर अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 साल से काफ़ी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। कौर बी इज़ वन ऑफ देम, शी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सुनंदा शर्मा है एक, निम्रत खेरा है। बट स्टिल क्या है, क्या चीज़ रेजिस्ट करती है कि वो उस लेवल का स्टार्टअप और उस लेवल की पॉपुलैरिटी नहीं है? आई थिंक दे आर क्वाइट पॉपुलर ऑल ऑफ देम, बट पता नहीं। आपके म्यूजिक वीडियोस में, आई मीन व्हेन आई से आपका, आई मीन डोंट मीन आपका पर्टिकुलरली, बट यू नो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स दैट वी हैव, सबके पास एक पैटर्न है जो कि लॉक किया हुआ है। आप चेस कर रहे हैं किसी लड़की को, या फिर देयर इज आल्सो अ रोमांटिक एंगल ऑलरेडी एंड द गर्ल इज सुपर हॉट, मतलब बहुत हॉट है, एंड द एंटायर सेटिंग इज आउट, इंडिया से बाहर होती है, क्या पैटर्न है और ये क्यों नहीं ब्रेक करना है? काफ़ी सालों से, पिछले मतलब थोड़े समय से म्यूजिक चेंज हो गया है काफ़ी, है ना, इंटरनेशनल म्यूजिक का फ्यूजन आ गया है, पंजाबी म्यूजिक एग्जैक्टली इंटरनेशनल बहुत इन्फ्लुएंस। जी जी जी, तो जो अपनी मतलब अभी सोशल मीडिया की वजह से जो अपनी यंग ऑडियंस है, वो सारे मतलब हॉलीवुड के मतलब गाने, इंग्लिश गाने वो भी देखते हैं, सुनते हैं उनके म्यूजिक वीडियो, तो अभी वही साउंड्स एंड बीट्स अपने पंजाबी या हिंदी गानों में यूज़ होने लगे। तो वीडियोस का भी वही होता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो लेवल जो है वो जो ऑडियंस देखते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं कि उसको मैच करने का। तो बाकी अर्बन जो गाने होते हैं उनमें, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उसमें गाड़ी जरूर होती है, हॉट लड़की होती है, गाड़ी होती है, हॉट लड़की होती है, अच्छा सा घर होता है, रोड ट्रिप्स होती है, और गोल्ड चेन एंड दैट एवरी ऑल काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड फैंसी ज्वेलरी होती है, मतलब सुपर स्टाइलिश। आई थिंक मैं भी जब टीवी देखता हूँ या कोई वीडियो देखने बैठता हूँ, या आप भी बैठोगे, तो हमें यही होता है कि यार हम कुछ अच्छा सुंदर कुछ बड़ा देखें, है ना, तो लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए वीडियोस में, है ना, तो लड़के हैं तो वो मतलब चले, ये तो स्टाइलिश वीडियो सॉन्ग्स की बात हो गई। एंड आई आस्क्ड जस्सी आल्सो, बिना विस्की रम वोडका के वो पंजाबी सॉन्ग्स क्यों नहीं बनते? नहीं, मेरे गाने में किसी में भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें दारू पीने को प्रमोट किया गया, पर लाइक पंजाबियों में थोड़ा सा होता है ना कि हमें विरसे में कुछ चीजें मिली हैं, पंजाबी थोड़ा हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंसर लाइफ शोज करने में, लाइव स्टेज जाने में ज्यादा थ्रिल है या एल्बम में सिंगल निकालने? ऑब्वियसली लाइव जाने में ज्यादा थ्रिल है, बिकॉज़ आप अपनी अपनी ऑडियंस के बीच में जाके परफॉर्म करते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, कई बार जो आपको नहीं पसंद करते वो भी आपका लाइव देख के आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें ज्यादा मजा है। वीक बिच दिन सत सतो दिन करे अत फैशन नी तेरा वखरा, लक कोलो स्लिम तू नी फॉलो करे के मनु इस लक कोलो खतरा। Thank you very much, Babul. All the best for before we leave, this is Indie Signature Handshake. Niharan da phatola hai tu lakhan da te utton paundi barbari deshe.